Hello everyone, so today in this video we will solve the KVS PGT 2017 computer science question paper और यहाँ पर हम सबसे पहले technical part का solution करेंगे और जो non-technical part है वो दूसरे teacher solve करेंगे जो मैं यहाँ पर technical part का solution करूँगा। अब जो KVS PGT computer science teacher है इस examination में already हिंदी as a subject आता है। So there are many students who requested us, sir, please record the video in English rather than in Hindi. But thing is, if you are going to attempt the examination, which is KVS PGT, that you are going to get Hindi as a compulsory subject. So jo Hindi hai, wo 20 marks ka aata hai yahan par. So it is compulsory that you should know Hindi. So it is better that if I record the video in Hindi or in English, or you can say mixture of both the languages, that will be much better, because in any way in the examination, you are going to attempt Hindi as a part of the topic, or you can say as a part of the syllabus. अब जो KVS PGT examination है, मैंने 2017 का जो question paper का solution है, मैंने कुछ books के अंदर refer किया जो already Amazon पे और काफी जगह पर books available है. मैंने books के अंदर अलग books को refer करके solutions या फिर जो content है उसको बनाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर books के अंदर जो solutions भी given हैं वो गलत है. मैंने जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने पहले 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देखे, 10 में से 3 क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस थे वो भी रॉन्ग थे. तो ज़्यादातर बुक्स के अंदर आपको हर जगह पर बिल्कुल एग्जैक्टली सॉल्यूशन, करेक्ट सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे. तो इस वजह से मैंने भी कोशिश करी है कि अपनी तरफ से जो मैं सॉल्यूशंस आपको दूँ इस एग्जामिनेशन के पेपर के, वो करेक्ट सॉल्यूशंस होने चाहिए, उसके अंदर मिस्टेक्स ना हो. तो इस चीज़ का मैं खास ध्यान रखूंगा कि जो भी पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं यहां पर कोई मिस्टेक ना हो. जहां पर कॉन्सेप्ट को बताने की ज़रूरत है वहां पर मैं कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, और जहां पर हमें ज़रूरत है कि थोड़ी एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है तो हम उस जगह पर एक्सप्लेनेशन को भी यहाँ पर लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो KVS PGT कंप्यूटर साइंस 2017 के पेपर का सॉल्यूशन है. और यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है, आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, विच इज़ digimentor.com, और digimentor.com पर इफ़ यू कैन गो टू द डाउनलोड सेक्शन, तो डाउनलोड सेक्शन के अंदर आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और साथ साथ में जो सॉल्यूशंस हैं वो वहाँ पर आपको एम्बेडेड फॉर्म में सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे. तो अगर आप चाहें तो हमसे KVS PGT कंप्यूटर साइंस के लिए या फिर कोई भी जो PGT एग्जामिनेशन है, देखिए जो PGT एग्जामिनेशन है ये होता है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट टीचर. हमारे पास 3 लेवल के एग्जामिनेशन हैं यहाँ पर, एक है PRT, दूसरा TGT और तीसरा PGT. सो जो PGT एग्जामिनेशन है वो 11th और 12th क्लास टीचर्स के लिए है, और जो TGT एग्जामिनेशन है वो आपके 10th क्लास से बिलो वैकेंसीज के लिए हैं, और जो आपके पास PRT एग्जामिनेशन हैं वो 5th क्लास से बिलो क्लासेस के लिए हैं. अब ये जो आपके पास PGT जो एग्जामिनेशन है, जैसे हमारे पास ये KVS PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो एग्जामिनेशन है KVS PGT का, तो इसका जो सिलेबस है और जितने भी PGTs होते हैं थ्रू आउट द कंट्री, सबका सिलेबस लगभग सेम ही रहता है. चाहे आपने अभी रिसेंटली हमारे पास DSSSB एग्जामिनेशन हुआ था, वो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से PGT कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए, या फिर आप UPPSC के लिए, UP जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वहाँ से, अगर आप LT ग्रेड लाइसेंसेड टीचर के लिए अगर आपने PGT की तैयारी की हो, या फिर किसी भी स्टेट में आप एक स्टेट लेवल PGT एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो जो सबका सिलेबस है वो सभी केसेस में आपके पास लगभग लगभग सेम सिलेबस ही रहता है. जो सिलेबस है उसमें डिफरेंसेस नहीं होते. और दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर याद रखने की है, देखिए जो PGT एग्जामिनेशन है वो है आपके 11th और 12th क्लास टीचर के लिए. अब यहाँ पर जो एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वेश्चन पेपर्स जो आपके पास आते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि 11th और 12th क्लास में जो CBSE बोर्ड है, जैसे KVS PGT जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो CBSE बोर्ड को फॉलो करता है, तो जो CBSE बोर्ड के जो सिलेबस है आप उसको एफिशिएंटली तरीके से पढ़ा पाएँ. जो केंद्रीय विद्यालय से यही चाहता है कि आप बच्चों को एफिशिएंट तरीके से, अच्छे तरीके से उसको बेटर नॉलेज को दे पाएँ. तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप 11th और 12th क्लास के केंद्रीय विद्यालय की जो बुक है कंप्यूटर साइंस की, आप उसको उठाइए और पूरी बुक को पढ़ डालिए. पूरी बुक के एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसकी थ्योरी के हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक पार्ट को, आपको वो चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए. उसके अलावा
आपको थोड़ी सी और एक्स्ट्रा नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, उस नॉलेज के लिए भी मैं यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी हूँ। लेकिन ये जरूर ध्यान दीजिए कि 11th और 12th क्लास की जो बुक है आपके पास, उसके अंदर काफ़ी पार्ट्स हैं। जैसे हमारे पास वीबी स्क्रिप्ट भी उसके अंदर आएगा, हमारे पास एसक्यूएल भी उसके अंदर आएगा, हमारे पास C++ भी उसके अंदर आता है। तो जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है 11th और 12th क्लास की बुक के, वो आपको पता होना चाहिए। कि क्योंकि ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो उसी एरिया से ही आएंगे, उसी एरिया से लिंक्ड आएंगे, क्योंकि वही टॉपिक जो है वो 11th और 12th क्लास के टीचर्स को पढ़ाने होते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय के केस में या फिर किसी भी पीजीटी के केस में, सबसे पहली जो चीज़ आप करेंगे वो जिस क्लासेस के लिए आपको पढ़ाना है, जैसे पीजीटी में 11th और 12th क्लास के टॉपिक्स को आपको पढ़ाना है, तो 11th और 12th क्लास की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको उठाइए और उसको अच्छे से पढ़ डालिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन पेपर भी अटेम्प्ट करोगे तो आप देखोगे कि 70-80% जो क्वेश्चन पेपर है आप सिर्फ उन 11th और 12th क्लास की बुक से ही कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टिप है उन बच्चों के लिए जो कि KVS PGT के लिए या फिर दूसरे किसी भी PGT एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। मेरे पास एक पेज है, मैं जो क्वेश्चन है उनका मैंने एक प्रिंटआउट लिया हुआ है, तो मैं इन क्वेश्चंस को एक एक करके अपनी तरफ से रीड करूंगा। लेकिन साथ साथ में आपको जो क्वेश्चन है इसी स्क्रीन पर कहीं पर भी ऊपर नीचे साइड में कहीं पर भी आपको जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, और जहाँ पर थ्योरी की रिक्वायरमेंट है जो थ्योरी है वो भी उस जगह पर शो हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, द एंटी अलियासिंग इज इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट, इट डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, तीसरा अंडरलाइनिंग ऑफ लेटर्स, एंड चौथा स्पेसिंग ऑफ ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर्स। देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ज़्यादातर जो मैंने बुक्स में रेफर किया है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्टली मोस्टली बुक्स के अंदर गलत दिया गया है। आई मीन जो बुक्स आप मार्केट से बाय करेंगे और अलग अलग पब्लिकेशंस की हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन काफ़ी स्टैंडर्ड जो ऑथर जो पब्लिकेशंस हैं, जो अच्छे पब्लिकेशंस हैं, वहाँ पर भी इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो गलत दिया हुआ है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जैगीज का क्या मतलब है और एंटी अलियासिंग का क्या मतलब। अगर सिंपल अगर आप एंटी अलियासिंग के लिए गूगल सर्च भी करेंगे तब भी आपको सिंपल पता चल जाएगा व्हाट इज एंटी अलियासिंग। तो बेसिकली एंटी अलियासिंग होता क्या है, देखिए जब आपके पास स्क्रीन होती है, जब आप कंप्यूटर ग्राफिक्स आप पढ़ते हैं, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में आप देखेंगे जो हमारी स्क्रीन है ये स्क्रीन पिक्सल्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो मैं इसको एक इस तरीके से मैं शो कर रहा हूँ, ये पिक्सल का मैप है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा, मुझे टाइम लग सकता है बनाने के लिए, तो आप भी मेरे साथ फॉलो कीजिए, बेटर रहेगा। तो जो स्क्रीन है हमारी वो इस तरीके से पिक्सल्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। सो ये सभी हमारे पास हॉरिजॉन्टल हैं, और इसको ऐसे हम करेंगे तो ये हमारे पास एक स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर कहो एक मॉनिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हम मॉनिटर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स वगैरह वगैरह, जो पहले यूज़ होते थे, अब आजकल वो यूज़ नहीं होते हैं। तो उसमें भी आप ध्यान से देखेंगे, पहले जो टेलीविजन आपके पास यूज़ होते थे तो वहाँ पर भी आपको इस तरह की कुछ लाइंस नज़र आती थी। अब इसमें अगर आपको कोई इमेज शो करनी है या फिर कुछ कैरेक्टर शो करने हैं, तो उस केस में आप जो पर्टिकुलर ब्लॉक्स है उसको आप कुछ कलर्स देते हैं। जैसे कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है तो आप क्या करेंगे, अगर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है तो जो पिक्सल्स हैं उनको आप ऐसे कलर कर देंगे फॉर द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब ये जो पिक्सल्स हैं ये सारे इस तरीके से कलर्ड हो गए हैं, तो इससे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिली, ठीक है। अब देखिए जो रियल वर्ल्ड के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनकी एजेस जो है वो एक तरह से कॉन्स्टेंट होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा जी एक वर्ड है, तो जी की जो एजेस हैं वो एक तरीके से कॉन्स्टेंट है। लेकिन अगर आप इस तरह की जो हमारे पास स्क्रीन्स थी, जो CRT कैथोड रे ट्यूब आपके पास स्क्रीन्स थी, उसके अंदर अगर आपको जी बनाना हो तो आप किस तरीके से बनाएंगे। देखिए जी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये पिक्सल है इसको आप कलर करेंगे, फिर ये पिक्सल को कलर करेंगे, फिर ये पिक्सल को होगा जो नेक्स्ट पिक्सल आपके पास, इसको कलर करेंगे, फिर नेक्स्ट पिक्सल को कलर करेंगे इस तरीके से। तो आप इस तरीके से जो पिक्सल्स हैं उनको कलर करते चले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपके पास जो करेक्टर आपको चाहिए जी, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जी जो करेक्टर आपको चाहिए वो इस तरीके से जी आपके पास बन जाएगा। और उसी तरीके से अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है डायगनली, तो डायगनल लाइंस कैसे बनती है, डायगनल लाइंस जो है जो पिक्सल्स हैं हमें, इन सभी पिक्सल्स को हम इस तरीके से कलर करेंगे, तो इस तरीके से हम डायगनल लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
ठीक है. लेकिन इस तरह की स्क्रीन के साथ जो सबसे बड़ा इशू है कि हमें एक जैगी इफेक्ट मिलता है या फिर कहो एक स्टेयर केस इफेक्ट मिलता है. स्टेयर केस इफेक्ट का मतलब क्या है कि ये देखो ये जो लाइन है अगर हम रियल लाइफ में लाइन देखेंगे तो रियल लाइफ में लाइन एकदम कॉन्स्टेंट है. ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा बोल्ड भी करेंगे तो आपकी जो रियल लाइफ की जो लाइन है जो आप लिखते हैं वो बिल्कुल एक तरह से कॉन्स्टेंट लाइन होती है. लेकिन यहाँ पर क्या है, बिकॉज हम पिक्सल्स की हेल्प से हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो एक है हमारे पास इस तरीके से एक स्टेयर केस इफेक्ट आता है जिसको हम जैगी इफेक्ट भी बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारे पास जैगीज इफेक्ट, जैगीज इफेक्ट और स्टेयर केस इफेक्ट, स्टेयर केस इफेक्ट. ठीक है, यानी कि जो भी आप ड्रॉ करेंगे बेसिकली वो पिक्सल्स की फॉर्मेट में ड्रॉ होता है और जो पिक्सल्स अगर हम इस तरीके से लाइन भी बना रहे हैं तो बेसिकली क्या है कि इन लोग पिक्सल्स की जो डेंसिटी है वो काफ़ी हाई रहती है. अब बिकॉज पिक्सल की डेंसिटी काफ़ी हाई रहती है तो हमें दूर से देखने में तो हमें एक तरह से लाइन ही लगेगा, लेकिन अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है या फिर जो इस तरह की डायगोनल लाइंस है, हर एक लाइन को के लिए हमने पिक्सल्स को ही कलर किया है और जो पिक्सल्स है वो हमारे पास एक तरीके से स्क्वायर शेप के अंदर है. अब जो स्क्वायर शेप के पिक्सल्स को जब आप इस तरीके से कलर करेंगे तो उससे जो लाइन है वो दूर से देखने में तो हमें एज ए लाइन दिखेगी, लेकिन जब अगर इसको हम पास से देखेंगे तो हमें एक स्टेयर्स की तरह दिखेगा कि स्टेयर केस इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं वो स्टेयर्स की तरह दिखेगा. तो इसको रिमूव करने के लिए हम एंटी अलायसिंग का यूज़ करते हैं, एंटी अलायसिंग. सो एंटी अलायसिंग का मतलब क्या होता है कि दो तरीके से हम एंटी अलायसिंग करते हैं. पहला तरीका ये है कि इसकी जो आसपास वाले पिक्सल्स हैं, जो अगर हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी थी तो इसके जो आसपास वाले पिक्सल्स हैं उसको आप थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट तरीके से कह सकते हो या फिर उतना बोल्ड नहीं, थोड़ा सा उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से आप उसको कलर कीजिए. जैसे कि हमने अगर ये वाली लाइन ड्रॉ करनी थी तो हमने इसको प्रॉपरली लाइन को जो पिक्सल्स थे उस लाइन के अराउंड उस लाइंस को हमने डार्क कलर में ड्रॉ किया. लेकिन एंटी अलायसिंग के लिए यानी कि हम इसको स्मूथ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसके आसपास वाले जो पिक्सल्स हैं उसको थोड़े लाइट कलर के अंदर हम कलर करते हैं. ऑब्वियसली कलर सेम रहेगा, यहाँ पर जस्ट डिफरेंस बताने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ रेड कलर, बट जो आसपास वाले जो पिक्सल्स हैं उसको हम थोड़ा सा लाइट तरीके से उनको कलर करते हैं. तो इससे ये होगा कि जब हम दूर से देखेंगे तो ये जो हमारे पास जैगी इफेक्ट है या जो स्टेयर केस इफेक्ट है ये आपका इफेक्ट यहाँ से आपको नज़र नहीं आएगा. ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी लाइन है वो और ज़्यादा स्मूथ नज़र आते हैं और उसी टेक्निक को हम बोलते हैं एंटी अलायसिंग. अब ये जो एंटी अलायसिंग टेक्निक है ये आपके गेम्स के अंदर भी यूज़ होती है, जो वीडियो गेम्स आप बनाते हैं ताकि आपके जो वीडियो गेम्स से ग्राफिक्स है और ज़्यादा स्मूथ हो जाए, यही एंटी अलायसिंग जो टेक्निक है. आपके पास जो टेक्स्ट है अगर आपने जैसे रिटर्न टेक्स्ट हमने यहाँ पर जी बनाया तो जी को और स्मूथ बनाने के लिए हम एंटी अलायसिंग का यूज़ करते हैं. तो बेसिकली एक तरीके से ये चीज़ों को स्मूदन करने के लिए काम आती है कंप्यूटर ग्राफिक्स के केस में. ठीक है, अब ज़्यादातर जो बुक्स के अंदर इसका आंसर गिवन है वो आंसर गिवन है आइदर स्पेसिंग बिटवीन द टू इंडिविजुअल कैरेक्टर्स या फिर जो दूसरे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो स्पेसिंग से इसका लिया गया है, लेकिन इसका जो मतलब है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर A1 है जिसका मतलब है कि एंटी अलायसिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट, इट डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विच इज एलिमिनेशन ऑफ जैगीज. ये जो जैगीज है आपके पास जो स्टेयर केस इफेक्ट है हम इसको एलिमिनेट करने के लिए हम एंटी अलायसिंग का यूज़ करते हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 विच इज एलिमिनेशन ऑफ जैगीज. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन बोलता है कंसीडर अ सेट ऑफ एन टास्क विद नोन रन टाइम्स ऑफ R1, R2 अप टू सोन Rn टू बी रन ऑन यूनी प्रोसेसर मशीन. देखो क्वेश्चन को हमेशा ब्रेक डाउन कीजिए, वो क्या कहना चाहता है. तो क्वेश्चन में बोलना चाहता है कि हमारे पास एन टास्क हैं. टास्क कौन सी है, एज्यूम T1, T2, T3 अप टू सोन Tn. आपके पास एन टास्क है और हर एक टास्क का जो रन टाइम है वो गिवन है और जो रन टाइम गिवन है वो है R1, R2, R3 अप टू सो ऑन Rn. करेक्ट, नाउ इट विल रन ऑन अ यूनी प्रोसेसर सिस्टम, यानी कि जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेसर होने वाला है. अब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम रिजल्ट इन द मैक्सिमम थ्रूपुट. थ्रूपुट क्या होता है, थ्रूपुट इज नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, यानी कि आप एक यूनिट टाइम के अंदर कितनी ज़्यादा प्रोसेसेस या कितनी ज़्यादा जॉब्स को कंप्लीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थ्रूपुट. अब देखिए हमारे पास जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं, जैसे FCFS एल्गोरिथम है, राउंड रॉबिन है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है,
सभी के केस में जो हमारे पास थ्रूपुट है वो थोड़ा डिफरेंट आएगा. देखिए FCFS का मतलब है कि इसमें से जो टास्क पहले आई आप उसको पहले कीजिए. हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसको पढ़ा है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को हम कंप्लीट थॉरो डिटेल में हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ चुके हैं. अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि थ्रूपुट का मतलब क्या है कि इन टास्क को पर्टिकुलर टाइम में आपने कितने टास्क को फिनिश किया. FCFS केस में जिस ऑर्डर में ये टास्क आई उस ऑर्डर में हम उनको फिनिश करते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या है FCFS केस में हमें एक इफेक्ट मिलता है जिसको बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट. शायद आपने नाम ऑलरेडी सुना भी होगा विच इज़ कॉन्वॉय इफेक्ट. सो व्हाट इज़ कॉन्वॉय इफेक्ट? कॉन्वॉय इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर एक टास्क जो बहुत बड़ी टास्क है अगर वो पहले आ जाती है तो बाकी से भी टास्क का जो वेटिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा. और बिकॉज वेटिंग टाइम इंक्रीज होगा तो आपका जो टर्न अराउंड टाइम है वो भी इंक्रीज होगा और आपका थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम जो है वो डिक्रीज होगा. तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में थ्रूपुट जो सिस्टम का है वो डिक्रीज होगा. ठीक है, सेकंड है हमारे पास प्रायोरिटी शेड्यूलिंग. अब देखिए प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में होता यह है कि हम हर एक प्रोसेस की प्रायोरिटी देते हैं. हम हमेशा प्रोसेसेस जो हैं उनके रनिंग टाइम पर हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करते बल्कि उसमें से किस प्रोसेस की ज़्यादा प्रायोरिटी है हम उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करते हैं. और जो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम है उसके केस में हम एक टाइम क्वांटम लेते हैं जिसमें से हम एक तरह से फिल्म टाइप का इफेक्ट होता है जहाँ से हमें लगता है हर चीज़ पैरेलली चल रही है. लेकिन राउंड रॉबिन एल्गोरिथम से हमें रिस्पांस टाइम अच्छा मिलता है लेकिन उसमें थ्रूपुट अच्छा नहीं मिलता. जो थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम है वो सबसे बेस्ट मिलता है हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट यानी कि SJF एल्गोरिथम के अंदर. लेकिन जो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम है उसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज ये है कि हम उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करते उस, क्योंकि हम किसी जॉब के आने से पहले किसी टास्क के आने से पहले उसका या उसको एग्जीक्यूट करने से पहले उसका टोटल रन टाइम हम नहीं बता सकते. तो इसी वजह से हम शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के अंदर जो रन टाइम है उसको एज्यूम करते हैं. हम प्रिडिक्शन टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे हम इन सभी जॉब्स का जो रन टाइम है वो निकाल सके. ठीक है, तो जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर ग्राफिक्स दैट कैन बी एम्बेडेड विद इन इंटरनेट डॉक्यूमेंट. यानी कि जो इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर आप HTML जो वेब पेजेस आप कहते हैं उसकी वेब पेजेस आर द इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स. तो वेब पेजेस के अंदर अगर आपको ग्राफिक्स को एम्बेड करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए जो सबसे पहला इसमें ऑप्शन है HTML. HTML इज अ लैंग्वेज, टैगिंग लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, इसके हम टैग्स लिखते हैं. तो ये HTML जो है वो एक फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट फॉर ग्राफिक्स नहीं है. तो काफ़ी बुक्स के अंदर इसके अंदर जो करेक्ट आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ HTML विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. क्योंकि जो HTML है वो ग्राफिक्स का फॉर्मेट नहीं है, HTML उनको अरेंज करने का फॉर्मेट है जिससे हम जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास एक वेब पेज के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनको किस तरीके से अरेंज किया जाए, उसका किस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाए, इसके लिए हम HTML को यूज़ करते हैं. तो HTML अगर ऑप्शन नंबर 1 आप लिख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 1 इस बिल्कुल ही करेक्ट रॉन्ग है. अब उसके अलावा ऑप्शन नंबर 2 जो है जिसमें हम लिखा हुआ है BMP. अब देखो जो BMP का मतलब है वो है बिट मैप इमेज. तो मैंने इसके लिए एक डॉक्यूमेंट भी है जो मैं निकाला हुआ है जस्ट फॉर शॉर्ट पर्पज़ आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रहा होगा. सो द BMP फाइल फॉर्मेट इज ऑल्सो नोन एज बिट मैप इमेज फाइल और डिवाइस इंडिपेंडेंट बिट मैप फाइल फॉर्मेट और सिंपली बिट मैप इज अ रास्टर ग्राफिक्स फाइल इमेज फाइल फॉर्मेट यूज टू स्टोर बिट मैप डिजिटल इमेजेस इंडिपेंडेंटली फॉर डिस्प्ले डिवाइसेज सच एज ग्राफिक्स अडेप्टर. तो एक तरीके से ये इमेजेस को शो करने के लिए ही यूज़ होता है. बट इसका मतलब ये नहीं कि वो जो इमेजेस हैं वो वेब पेजेस के लिए या फिर ऑनलाइन जो है वो उसके लिए ऑप्टिमाइज्ड है. अब जो दूसरा है हमारे पास TIFF जो इसका फुल फॉर्म होता है हमारे पास टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट. अब ये जो TIFF और TIF जो इमेजेस हैं ये बेसिकली हमारे पास जहाँ पर हम आर्टिस्टिक वर्क ज़्यादा यूज़ करते हैं या जहाँ पर हम ग्राफिक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं उस जगह पर ये यूज़ होता है. बिकॉज TIFF इमेज के अंदर हम बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर करते हैं जिसमें इमेजेस की जो लेयर्स हैं लेयर्स भी TIFF के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं. और जो बेसिकली आर्टिस्टिक वर्क के लिए जो रिक्वायरमेंट है आपको कि लेयर्स अलग होना चाहिए और एलिमेंट्स अलग होने चाहिए इमेज के अंदर. अगर आपको फोटोशॉप पता है तो आपको पता है कि अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं इमेज के अंदर, तो जो एलिमेंट्स हैं वो सभी अलग होना चाहिए. इस वजह से हम TIFF को यूज़ करते हैं. लेकिन TIFF फाइल का जो साइज़ है वो कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा होता है बिकॉज उन फाइल्स के अंदर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं. ठीक है, अब जो तीसरा यहाँ पर गिवन है, तीसरा है हमारे पास, आप देख सकते हैं तीसरा हमारे पास यहाँ पर GIF. अब ये जो GIF इमेजेस हैं आप चेक भी कर सकते हैं, GIF की फुल फॉर्म है वो है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट.
अब जो GIF और ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट जो है उसके अंदर हम जो कलर्स हैं उसको सिर्फ 256 कलर्स से ही शो करते हैं, यानी कि एक जो पिक्सल है, जो इमेज का जो एक पिक्सल होगा उसके लिए हम 8 बिट का यूज़ करेंगे और 8 बिट से हम सिर्फ 256 कलर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वजह से ऐसा होता है कि जो भी आपकी इमेज है, GIF जो इमेज है आपके पास, उसका साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है, और बिकॉज GIF इमेज का साइज़ बहुत स्मॉल होता है, तो जिस समय पर आप उस इमेजेस को यूज़ करेंगे अपने वेब पेज के अंदर, तो वेब पेज का जो साइज़ है, ओवरऑल साइज़, वो भी डिक्रीज होगा। तो जो GIF इमेजेस हैं वही हम लोग इंटरनेट वेब पेजेस या फिर इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए इसमें से, मैंने सभी ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू टू डिक्लेयर वेरिएबल इन ASP, यानी कि ASP के अंदर आप किस तरीके से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। अब देखो ASP के अंदर यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, पहला वेयर, दूसरा डिम, तीसरा एस एंड चौथा सेट। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है डिम। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है ASP के लिए तो आपको क्लियरली पता होगा, बिकॉज किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले सबसे स्टार्टिंग में ये बताया जाता है कि इसमें वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करने हैं। तो यहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम ASP में, उसके लिए हम डिम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विजुअल बेसिक मल्टीपल कंट्रोल ऑफ द सेम टाइप कैन बी ग्रुप्ड इनटू एन अरे इन सच मैनर एज ए कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स सच ए ग्रुपिंग इज नोन एज। सो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज कंट्रोल अरे। अब बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं विजुअल बेसिक की बात करता हूँ तो कंट्रोल अरे होता क्या है, तो आपकी स्क्रीन में आप देख रहे होंगे। सो कंट्रोल अरे इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंट्रोल्स इन अ विजुअल बेसिक फॉर्म दैट शेयर द सेम इवेंट हैंडलर। सो कंट्रोल अरेज आर ऑलवेज सिंगल डायमेंशनल अरेज एंड कंट्रोल्स कैन बी एडेड और डिलीटेड फ्रॉम कंट्रोल अरेज एट रन टाइम। सो वन एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल अरेज टू होल्ड मेन्यू आइटम्स एज अ शेयर्ड इवेंट हैंडलर कैन बी यूज टू कोड कॉमन टू ऑल द मेन्यू आइटम्स इन द कंट्रोल अरे। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है कंट्रोल अरे। यहाँ पर प्राइमरी अरे, सेकेंडरी अरे, इंटीजर अरे, इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कंट्रोल अरे होता क्या है। अगर आपने विजुअल बेसिक पढ़ा है तो आपको ये भी पता होगा कंट्रोल अरे किस तरीके से हम विजुअल बेसिक के जो एलिमेंट्स हैं किस तरीके से उनको स्टोर करते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अगेन क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो DBMS सब्जेक्ट में से है। अगेन इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा बोलता है कि आपके पास दो रिलेशन है, एक रिलेशन R और दूसरा रिलेशन S, एंड दे आर हैविंग, आर रिलेशन इज हैविंग 3 टपल्स एंड एस रिलेशन इज हैविंग 2 टपल्स। सो वट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टपल्स दैट कुड अपेयर इन द रिलेशन जॉइन इन नेचुरल जॉइन ऑफ आर एंड एस। अब देखिए नेचुरल जॉइन की बात की गई यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए नेचुरल जॉइन होता क्या है, वट एग्जैक्टली इज नेचुरल जॉइन। लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल वट इज अ नेचुरल जॉइन। देखिए आपके पास अगर एक रिलेशन है आर, इस रिलेशन के अंदर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, मे बी P एंड Q, और एक रिलेशन है S, और उस रिलेशन में हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, मे बी Q एंड मे बी S। ओके, सो इन दोनों रिलेशन के अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे R के अंदर एज्यूम A1, A2 एंड B3। ओके, और S के अंदर हमारे पास है 1 1 एंड 2 0। ओके, नाउ अगर मैं R नेचुरल जॉइन विद S करता हूँ तो हमारे पास एक न्यू रिलेशन आएगा, उस न्यू रिलेशन के जो टपल एट्रीब्यूट्स होंगे वो होंगे हमारे पास P, Q एंड S, और यहाँ पर वो टपल्स कंबाइन होंगे जो हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट हैं, जो हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट है जहाँ पर ये वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ वही टपल्स यहाँ पर कंबाइन होने वाले हैं। तो अगर मैं R नेचुरल जॉइन विद S लेता हूँ तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, A 1 1 और A 2 0। सो 2 और ये 2 दोनों मैच करता है, तो आंसर जो होगा यहाँ पर वो सिर्फ हमारे पास दो ही टपल्स आएंगे। तो जो नेचुरल जॉइन है, अगर मैं चेक करूँ कि इसमें नेचुरल जॉइन में मिनिमम एलिमेंट्स कितने होंगे, तो अगर हमारे पास जो कॉमन एट्रीब्यूट है, कॉमन एट्रीब्यूट में अगर कोई भी वैल्यूज सेम नहीं है, तो उस केस में हमारे पास जो मिनिमम नेचुरल जॉइन में मिनिमम जो टपल्स आएंगे वो हमारे पास 0 हो सकते हैं। बट यहाँ पर बिकॉज हमारे पास दो वैल्यूज मैच हो रही थी इसलिए जो टपल है वो हमारे पास 2 आए। लेकिन अगर नेचुरल जॉइन में कभी ऐसा हो कि आपके पास एक रिलेशन R इस तरीके से है जिसके अंदर आपके पास लेट अस से एक ही एट्रीब्यूट है या फिर दो एट्रीब्यूट्स एज्यूम करो विच इज़ P एंड Q, और दूसरा रिलेशन है हमारे पास S जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं S एंड T। अब ध्यान दो, अगर आपके पास दो रिलेशन है यहाँ पर R एंड S, अब दोनों रिलेशन के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है, अगर दोनों रिलेशन में कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है उस केस में जो नेचुरल जॉइन है R नेचुरल जॉइन S, इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज R क्रॉस प्रोडक्ट विद S।
अगर इस वाले रिलेशन के अंदर हमारे पास थ्री टपल्स हैं और दूसरे रिलेशन में हमारे पास दो टपल्स हैं, तो आर नेचुरल जॉइन एस में इस केस में हमारे पास टोटल 3 × 2 यानी कि 6 टपल्स आएंगे। तो नेचुरल जॉइन में मैक्सिमम नंबर ऑफ टपल्स आपको तब मिलेंगे जब दोनों रिलेशंस के अंदर कोई भी एक केस है, इसके अलावा भी और भी केसेस बन सकते हैं, बट अगर दोनों रिलेशन में अगर कोई भी जो एट्रीब्यूट्स है वो सेम नहीं है, तो जो नेचुरल जॉइन है वो एग्जैक्टली एक क्रॉस प्रोडक्ट की तरह काम करता है और उस केस में आपको मैक्सिमम टपल्स मिलेंगे। तो अगर इसमें 3 टपल्स है उसमें 2 टपल्स है, तो मैक्सिमम जो टपल्स है उसकी वैल्यू होगी आपके पास 6। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है 6। अब कुछ बुक्स में इसका आंसर 5 दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है, बिकॉज 5 इज नॉट अ करेक्ट आंसर, इट इज 3 × 2 विच इज 6, बिकॉज नेचुरल जॉइन बिहेव एज ए क्रॉस प्रोडक्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेजेस फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेजेस ईमेल्स को आप सेंड करने के लिए इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। पहला प्रोटोकॉल है दैट इज HTTP, आपको पता है HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि वेब पेजेस को डाउनलोड करने के लिए या फिर वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। दूसरा है हमारे पास FTP, जिसका है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि दो सिस्टम्स के बीच में फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए हम FTP का यूज़ करते हैं। तीसरा है SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो ईमेल्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज़ होता है, ईमेल्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। तो 7th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है SMTP। अब जो इसका 4th ऑप्शन है वो है SNMP। SNMP का जो मतलब होता है उसको बोलते हैं सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, यानी कि ये जो हमारा नेटवर्क है कंप्यूटर नेटवर्क को मैनेज करने के लिए SNMP हमें फीचर्स प्रोवाइड करता है और ये नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, OLE अ माइक्रोसॉफ्ट कंपोनेंट डॉक्यूमेंट टेक्नोलॉजी मीन्स। देखिए जो OLE है उसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, नंबर 1 इज ओवरले लिंकिंग एंड एक्सचेंज, ऑनलाइन लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ओपन लर्निंग एक्सचेंज। अब ये जो OLE है, अगर मैं सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट कंपोनेंट डॉक्यूमेंट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता हूँ, तो OLE का मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इसमें ओवरले लिंकिंग एंड एम्बेडिंग कुछ भी नहीं होता है, और ओपन लर्निंग एक्सचेंज इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 8 का वो है 4। अब थोड़ा सा आप देख लीजिए ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग होता क्या है। यहाँ पर OLE इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउज यूजर टू क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग आइटम्स और ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय मल्टीपल एप्लीकेशंस। सो दिस OLE वॉज ओरिजिनली एन एक्रोनिम ऑफ ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, हाउएवर इट इज नाउ रेफर टू एज OLE। द पार्ट ऑफ OLE नॉट रिलेटेड टू लिंकिंग एंड एम्बेडिंग आर नाउ पार्ट ऑफ एक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। सो यू कैन रीड अबाउट OLE, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, और OLE का जो मतलब है वो है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, यहाँ पर बोलते हैं द प्रॉब्लम ऑफ इनडेफिनेट ब्लॉकेज ऑफ लो प्रायोरिटी जॉब्स इज इन जनरल प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन बी सॉल्व यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए जो इनडेफिनेट ब्लॉकेज ऑफ लो प्रायोरिटी जॉब्स की यहाँ पर बात करता है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में जिस जॉब की प्रायोरिटी कम है उस जॉब को सीपू नहीं मिलेगा, यानी कि लो प्रायोरिटी जॉब जो है वो स्टार्वेशन मोड में आ सकती है। जो टर्म है यहाँ पर इनडेफिनेट, जो देखो टर्म जो यूज किया गया इनडेफिनेट ब्लॉकेज ऑफ लो प्रायोरिटी, यानी कि जो लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस हैं वो स्टार्व हो सकती हैं, स्टार्वेशन को हम बोलते हैं इनडेफिनेट ब्लॉकेज ऑफ लो प्रायोरिटी जॉब्स। तो लो प्रायोरिटी जॉब्स की जो स्टार्वेशन है उसको हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। पहला आपके पास स्वैपिंग विच इज नॉट यूज, दूसरा है डर्टी बिट जो है यहाँ पर यूज नहीं होता है। डर्टी बिट यूज होता है पेजिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर, कि आपके पास अगर कोई पेज है जिसको आप मेन मेमोरी में लेकर आए हैं और वो पेज अगर मॉडिफाई किया गया है, तो हम उसमें डर्टी बिट को 1 सेट करते हैं। जो डर्टी बिट है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में पेज रिप्लेसमेंट या फिर आप कहो पेज रिप्लेसमेंट के लिए हम उसको यूज़ करते हैं या फिर पेज मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी मैनेजमेंट टॉपिक के अंदर अगर आप पेजिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो पेजिंग कॉन्सेप्ट में हम पेज टेबल मेंटेन करते हैं और उस पेज टेबल में हम एक डर्टी बिट मेंटेन करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पेज को हमने एडिट किया है या नहीं किया, या फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं या नहीं किया, फिर मॉडिफाई किया है या नहीं किया, तो उसके लिए हम लोग डर्टी बिट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो डर्टी बिट है वो करेक्टली बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज एजिंग। एजिंग का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास प्रोसेसेस हैं उस प्रोसेस के अंदर हम कुछ टाइम काउंटर लगा देंगे, टाइमर, यानी कि इस टाइम के बाद अगर जो प्रोसेस को CPU नहीं मिलता है तो हम उसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह के टॉपिक को हम इस तरह के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एजिंग। जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एजिंग। और जो 4th है वो कॉम्पैक्शन। अगेन जो कॉम्पैक्शन जो टॉपिक है, कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है
हम कॉम्पैक्शन को मैंने कॉम्पैक्शन को कवर किया हुआ है इन ए वेरिएबल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. कॉम्पैक्शन का मतलब क्या है, सॉरी वेरिएबल नहीं, वेरिएबल पार्टिशनिंग स्कीम. वेरिएबल पार्टिशनिंग स्कीम, पार्टिशनिंग इन मेमोरी मैनेजमेंट. मैंने यहाँ पर कॉम्पैक्शन को ऑलरेडी कवर किया हुआ है. तो कॉम्पैक्शन का मतलब क्या है कि आपके पास जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में काफ़ी प्रोसेसेस इस तरीके से हैं. ये अज्यूम ही हमारे पास प्रोसेसेस हैं और हमारे पास कुछ ऐसी स्पेस हैं यहाँ पर जो हमारे पास फ्री है. ये फ्री स्पेस है, ये फ्री स्पेस है, ये फ्री स्पेस है और ये फ्री स्पेस है. कॉम्पैक्शन का मतलब क्या है कि इन सभी प्रोसेसेस को एक साथ बिगनिंग में या फिर एंडिंग ऑफ द मेमोरी में इन सभी प्रोसेस को एक साथ इकट्ठा कर दीजिए ताकि जो फ्री स्पेस है वो सभी एक साथ इकट्ठी हो जाए. तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन की एक एप्लीकेशन ये भी है कि जब आप विंडोज़ आप यूज़ करते हैं तो विंडोज़ में आप स्टार्ट मेन्यू पे जाइएगा. स्टार्ट मेन्यू पे आप जाएंगे एक्सेसरीज़ पे और एक्सेसरीज़ में हमारे पास टूल्स आते हैं. तो टूल्स में वहाँ पर एक टूल होता है हमारे पास डीफ्रेगमेंटर. तो कॉम्पैक्शन और डीफ्रेगमेंटेशन बोथ द सेम थिंग. अब यहाँ पर जो कॉम्पैक्शन की बात की गई है वो मेन मेमोरी में बात की गई है और जब मैं डीफ्रेगमेंटेशन में विंडोज़ में यूज़ करता हूँ तो जो डीफ्रेगमेंटेशन है वो हम हार्ड डिस्क के अंदर डीफ्रेगमेंटेशन करते हैं ताकि जो फ्री स्पेस है सबको एक साथ आप फ्री यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी जो हार्ड डिस्क की जो स्पीड है वो थोड़ा सा आपको उसमें इम्प्रूवमेंट मिल सकता है. तो इसलिए हम डीफ्रेगमेंटेशन का यूज़ करते हैं. डीफ्रेगमेंटेशन और कॉम्पैक्शन सेम चीज़ है, बस डीफ्रेगमेंटेशन हम हार्ड डिस्क में यूज़ कर रहे हैं, कॉम्पैक्शन को हम मोस्टली, दोनों सेम ही है बट जो टूल आपके पास विंडोज़ में अवेलेबल है वो हार्ड डिस्क के लिए अवेलेबल है. कॉम्पैक्शन जो है वो आपके मेन मेमोरी के लिए यूज़ होता है और कॉम्पैक्शन जो है वो एक काफ़ी इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. देखो यहाँ पर आपका ज़्यादा इनपुट आउटपुट टाइम यूज़ होता है. जिस समय पर आप कॉम्पैक्शन करेंगे उस समय पर आपका सीपीयू ज़्यादातर टाइम पर आइडल रहता है. तो यहाँ पर कॉम्पैक्शन और जो डर्टी बिट और स्वैपिंग, जो तीनों चीज़ें हैं ये आप मेमोरी के केस में यूज़ करते हैं, जहाँ पर स्वैपिंग जो है प्रोसेस, जो आपकी स्वैपिंग ऑफ पेजेस की बात कह सकते हैं या फिर स्वैपिंग जो है सेकेंडरी मेमोरी में हम बात करते हैं, और जो डर्टी बिट और कॉम्पैक्शन है दोनों हम मेन मेमोरी यानी मेमोरी मैनेजमेंट के टॉपिक के केस में यूज़ करते हैं. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एजिंग. ओके, सो द 10th क्वेश्चन जो है हमारे पास है, व्हाट रिजल्ट इज रिजल्ट सेट इज रिटर्न फ्रॉम द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी. एसक्यूएल क्वेरी है सेलेक्ट कस्टमर नेम टेलीफोन फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इन जयपुर दिल्ली एंड आगरा. देखिए इसमें आपको पता होना चाहिए एसक्यूएल क्वेरी कैसे काम करती है, लेकिन जो पूरा जो गेम है इस क्वेश्चन का वो एक्चुअली इन का है. अगर आपको पता हो इन कैसे यूज़ होता है, देखो जो इन यूज़ होता है वो और की तरह यूज़ होता है. तो इसका मतलब क्या है, सेलेक्ट कस्टमर नेम एंड टेलीफोन, यानी कि कस्टमर जो टेबल है आपके पास, जो आपके पास कस्टमर एक टेबल होगी उसमें कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन होगी पूरी टेबल के अंदर, चाहे वो आपका कस्टमर का आईडी है, कस्टमर आईडी हो सकता है, कस्टमर का नेम हो सकता है, कस्टमर का एड्रेस हो सकता है, कस्टमर का टेलीफोन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हो सकती हैं. तो अब हमें इस पूरे टेबल में से हमें सिर्फ कस्टमर का नेम और कस्टमर का टेलीफोन नंबर चाहिए उस केस में जहाँ पर कस्टमर या तो दिल्ली में रहता हो या जयपुर में रहता हो या फिर आगरा में रहता हो. अगर इनमें से कोई भी हो सकता है, दिल्ली, जयपुर या आगरा, तो इनका मतलब होता है और, या तो दिल्ली रहता हो या जयपुर रहता हो या फिर आगरा रहता हो. अब ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है द कस्टमर नेम ऑफ ऑल कस्टमर्स हु आर नॉट लिविंग इन जयपुर, दिल्ली और आगरा. तो यहाँ पर नॉट लिविंग, तो नॉट के लिए हम लोग नॉट इन यूज़ करते हैं. जो हमारे पास जो कीवर्ड आएगा उसको बोलते हैं नॉट इन, नॉट इन क्लोज. तो जो नॉट इन क्लोज है अगर वो यूज़ होता तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक होता, बट यहाँ पर नॉट इन यूज़ नहीं है, सिर्फ इन यूज़ है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका रॉन्ग है. अब ऑप्शन नंबर 2, द कस्टमर नेम एंड टेलीफोन ऑफ ऑल कस्टमर्स. अब देखो ऑल कस्टमर्स नहीं है क्योंकि हमने कंडीशन डाला है कि वेयर क्लोज, बिकॉज इस वेयर क्लोज की वजह से ऑल कस्टमर के हम इन्फॉर्मेशन नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ उन कस्टमर की इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं जो दिल्ली में रहते हो या जयपुर में रहते हो या फिर आगरा में रहते हो. तो ऑप्शन नंबर 2 है वो भी एक गलत आंसर है इस केस में. क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो कस्टमर नेम टेलीफोन नंबर फॉर ऑल कस्टमर्स लिविंग इन आइदर जयपुर, दिल्ली और आगरा. जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो इस केस में करेक्ट है. और ऑप्शन नंबर 4 में देखिए सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ऑप्शन नंबर 4 में हम दिल्ली, जयपुर एंड आगरा किया गया है. एंड का मतलब है कि तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, वो दिल्ली में भी रहता हो, जयपुर में भी रहता हो और आगरा में भी रहता हो. तो ये जो तीनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है एंड की वजह से, बिकॉज इन का मतलब होता है और. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर इवेल्युएटिंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. अब देखिए पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए हम स्टैक्स का यूज़ करते हैं. अगर आपने स्टैक कॉन्सेप्ट पढ़ा हो जो मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है,
तो उसमें हम लोग इनफिक्स प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स करते हैं. इन सब की कन्वर्जन भी है कि इनफिक्स से आप पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे या इनफिक्स से प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी एक प्रो पोस्टफिक्स गिवन है तो पोस्टफिक्स से इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, फिर पोस्टफिक्स से इनफिक्स में कैसे करेंगे, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो ऑप्शन नंबर 11 का जो आंसर है वो है 2, बिकॉज हम उसके स्टैक्स का यूज़ करते हैं, हम निकलिस का यूज़ नहीं करते, हम क्यूज़ का भी यूज़ नहीं करते, बिकॉज स्टैक जो है वो एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के लिए. ठीक है, तो बिकॉज पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रायोरिटीज़ किस तरीके से, और जो प्रायोरिटीज़ हैं हम स्टैक्स के अंदर उसको स्टोर करते हैं एक तरीके से.